नमस्कार ओम शांति पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है सफलता की कहानी मेरे जीवन की सफलता की कहानी मैंने आपसे पहले भी कई बार ये कहा है कि हमारे आदर्श हमें किस तरह से सही रास्ते पर लेके जाते हैं और कौन कौन किस तरह से कार्य करते हैं वो उनसे हमें सीखने को मिलता है हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं प्राता जगदीश जी जो जलंधर के मेयर हैं सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो दिल जान से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तन मन धन से सेवाएं करते हैं और साथ ही साथ इस भवन का निर्माण के कार्यकर्ता परम पिता परमात्मा ने इनके कर्म कर्म कदम कदम पर इनका कार्य इनके द्वारा कार्य करवा रहे हैं सफलता पूर्वक वो कार्य कर भी रहे हैं उनसे उनके जीवन की कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस की स्वागत करते हैं भ्राता जगदीश जी का भाई जी आपका इस बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारी संस्था के साथ दिल जान से जुड़े हुए हमें बहुत खुशी है इस बात की आप इस संस्था में आए इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने और और किस तरह की संस्थाओं के साथ कार्य किया कौन सी एन हैं जिसमें है आपने कार्य किया और आपका और और क्या विचार है आगे हम यूथ को बढ़ाने के लिए आपके क्या जो धाराएं हैं जो आप अपने प्रकट करना चाहते हैं मैं शुरू से ही जब से मैंने अपनी होश संभाली है मैं ये धार्मिक जो है मंदिर है, है इनके मेरा लगाव रहा है जी जब कभी मुझे इस फील्ड में कोई ड्यूटी दी जाती है जी किसी मंदिर में गुरुद्वारे में उसको पूरी तरह से ईमानदारी से लगन से निभाने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ इसी तरह मुझे इसी इसी आश्रम में आने का मौका मिला था ये बहुत पुरानी बात है पंद्रह बीस साल के करीब हो चुके हैं मैं और मेरी भाई अनीता हम दोनों यहाँ कभी कभी आया करते थे तो बहन जी यहाँ पे हमें प्रेरित किया करते थे हमें यहाँ से बड़ा कुछ मिला है हमने जो भी यहाँ से कोई भी अपने मन में ले कर आए हैं उसको हमें यहाँ से हमें सब मिला है यहाँ पे हमें उसका आशीर्वाद मिला हमारी वो पूर्ति हुई है इसलिए मुझे इस आश्रम से बहुत दिली लगाव है जी। तो आप जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं इसमें मेरा कोई कोई खास योगदान नहीं है ये तो बहन जी ने मुझे बोला था इसका नक्शा पास करवाना है जी। लेकिन मैंने उनको बोला नक्शा पास करवाने की कोई जरूरत नहीं है आप ऐसे बना लोग बनाई जा रहे हैं जी। क्योंकि ये तो एक आश्रम है लोगों के लिए है लोगों के भलाई के लिए है लोगों की सुविधा के लिए है लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं यहाँ ठहरते भी हैं और यहाँ पे सेवा करते हैं और अपनी मनोकामना के ले कर आते हैं जी। तो उन्होंने बोला हम जो कानून के साथ चलेंगे उन्होंने फिर मेरी ड्यूटी लगाई थी कि इसका नक्शा पास होना चाहिए इसका नक्शा भी पास हो गया तो मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे अक्सर आया जाया करते आ हैं।, हैं और हमें एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ हमें यहाँ पे बहुत उम्मीदें पूरी होती हैं इसलिए मेरा इस संस्था से काफ़ी लगाव है जी तो ऐसी कोई एन है जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं या उसमें कार्य करते हैं एनजी बहुत सारी हैं जो नई भी बनती है कोई उम्मीद से तक आखिरी उम्मीद है वहाँ पे गरीबों को राशन देते हैं अच्छा यहाँ पे एक सब्जी मंडी है सैगल साहब है वो भी गरीबों को राशन देते हैं यहाँ है एक महालक्ष्मी मंदिर है वो भी गरीबों को हर महीने राशन देते हैं मैं इनके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ इनके अंडर काम भी करता हूँ अच्छा तो ये लोगों की भुलाई का काम करते हैं सोसाइटियाँ तो जो मेरी वो ड्यूटी लगाते हैं मैं उनके साथ भी शामिल होता हूँ ये मेरी ड्यूटी जैसे आपकी ये पालिका है जलंधर महापालिका है इसमें आपने क्या विकास लाया थोड़ा सा आप हमें बताएंगे अभी ये पालिका में मैं काफी पुराना हूँ नाइनटी वन से रेगुलर में चल रहा हूँ मेरी वाइफ भी इसमें कौन सा तीन बार वो तीसरी बार हम कट्ठे अभी चल रहे हैं जी। तो अभी जो मैंने अपनी लाइफ में जो डेवलपमेंट देखी है पूरे शहर में लेकिन अभी ये अफसोस की बात है आश्रम के सामने वाली जो सड़क है वो नहीं बन पा रही है क्योंकि उसके लिए हमें मुश्किल तो आ रही है दुख भी हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा बहुत है हम ये पानी जो है परमात्मा का जो बहुत डाउन जा रहा है हम चाहते हैं कि शहर शहरवासियों को पानी 24 फोर आवर्स मिले ट्वेंटी फोर इंटू सेवन लोग पानी के महत्ता समझे ये पानी जो दरिया का पानी हमारा वेस्ट होके दूसरे कंट्रियों में जाता पाकिस्तान जाता है कहा जाता हम उसको आदमपुर से जगरावा गांव है जी वहाँ पे हमने बड़े बड़े टैंक लगाए हैं जगह वहाँ खरीदी हमने टैंक लगा के वो पानी सारा वहाँ जगरावा से आदमपुर से लेके शहर में आ रहे हैं जी ये लोगों को पानी 24 फोर आवर मिलेगा हम उस पर मीटर भी लगाएंगे क्योंकि सुविधा के बाहर जाके कोई इसका इस्तेमाल ना करे क्योंकि पानी जोड़ा है जो है हमारे आने वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए है ये पानी का बहुत बड़ा काम हो रहा है इससे यह सड़क के आगे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो भी जल्दी बनने जा रही है जी तो और भी हम टोटल शहर में जो पानी डाल रहे हैं लेकिन जो पिछले चार साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है मेरा नहीं ख्याल कोई भी शहर की छोटी से छोटी गली जो है वो भी बची हो हमने पूरी डेवलप की है पूरी गलियां पार्क सब हमने पूरी लोगों के साथ मिलके जी। लोगों का सहयोग लेके हमने बहुत काम किया है हम आगे भी करते रहेंगे जिस तरह से आपने पीढ़ी की बात की आजकल की पीढ़ी में देखा जाए नशा तो नशे को दूर करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं नशे के लिए दूर करने के लिए तो वो ड्यूटी पंजाब सरकार की है लेकिन हमारी भी ड्यूटी बनती है क्योंकि हम भी शहरवासी हैं देशवासी है। हम सब की ड्यूटी बनती है हम इसके लिए जैसे मंदिरों में गुरुद्व बातें होती हैं या हमारी सोसाइटीज हैं वेलफेयर सोसाइटी हैं हर इलाके में वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है वहाँ पे हम लोगों को जागृत करते हैं हमें नशे से दूर रहना चाहिए बच्चों को समझाते हैं कभी स्कूल में कॉलेज में जो हमारे इलाके में स्कूल है कॉलेज हमें वहाँ पे इन्वाइट करते हैं हम बच्चों को ये समझाते हैं कि आप नशे से दूर रहो धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए धार्मिक माइंड होना चाहिए तो हम ये लोगों को समझा टाइम टू समझाते रहते हैं लेकिन देखा जाए जैसे आपने स्कूल कॉलेजों की बात की वहाँ पे एजुकेशन की भी बात आती है एक आजकल एजुकेशन देखा जाए कई जगह बहुत आगे है लेकिन कुछ विलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं जा पा रहे तो एजुकेशन बहुत जरूरी है शिक्षा आजकल हम जैसे यूथ के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा से ही रोजगार बेरोजगार जो भी हमें काम मिलता है उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे आपने बिल्कुल ठीक कहा जो हमारे छोटे गांव है वहाँ पर प्रॉपर जो उनको हेल्प नहीं मिलती प्रॉपर गाइडेंस मिली प्रॉपर जो टीचिंग मिलती। वो मिलती लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा पिछले चार पाँच साल में हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत हर गांव में जैसे आपने नाम सुना होगा हमारे किशन कुमार जी थे वो डायरेक्टर जो स्कूल के थे वो बहुत ईमानदार बहुत ही लगन से काम करने वाले उन्होंने स्कूलों का स्तर जो है पढ़ाई का स्तर है जो बच्चों का स्तर है बहुत ऊंचा उठाया उन्हें बहुत दिन भर काम करके पंजाब के मॉडर्न स्कूल बनाए हैं स्मार्ट स्कूल बनाए हैं उससे कोई गांव ऐसा बचा नहीं है जिस गांव में जो उच्च शिक्षा नहीं प्रदान की उन्होंने और बैठने उठने की हर फैसिलिटी उन्होंने दी है और हर गाँव में हर शहर में दोपहर का खाना बच्चों को फ्री मिलता है जी और टीचर भी उन्होंने अच्छे टीचर उन्होंने इस काम के लगाए हैं उसमें बच्चे का बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं बच्चे अब कोई ऐसा गांव नहीं काम है ना मिल रही हो अब बच्चों का शिक्षा के मार रास्ते में बहुत आगे जा रहे हैं लेकिन आपके इस नगर पालिका और पालिका में एक महिलाएं भी आती है महिलाएं कुछ ऐसी होती है जो अपना घर बार चला लेती है लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो विद्यो होती है उनके लिए आपका क्या कार्य रहता है विडो के लिए हमारी पर है, लेकिन विडो के लिए गवर्नमेंट है जो विडो पेंशन को मिलती है उनकी जैसे उनके बच्चे हैं कुछ है उनको हेल्प मिलती है स्कूलों में उनको फीस में हेल्प मिलती है बुक्स मिलती है इस तरह की जो हमारे गवर्नमेंट की है समाज भलाई की बहुत स्कीमें हैं जो उनको मिलती है जी लेकिन आजकल एक चीज और भी देखी जाती है कि अपने आस पड़ोस अपना जो शहर है अपनी जो जगह है उसको स्वास्थ्य एक साफ सुथरा रखने के लिए तो हम मानो कुछ समय के लिए स्वास्थ्य या साफ सुथरा भी रख लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वैसा ही हो जाता है तो उसके लिए एक कंटिन्यू कार्य रहना चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं हम नहीं ऐसा नहीं पहले से तो लोग बहुत जागृत हो चुके हैं अब कूड़ा काफ़ी कंट्रोल है जैसे हम लोगों को समझाते हैं भाई अपने घर का कूड़ा घर में सेगरेट करो सेग्रीगेट करने से जो गीला सूखा कूड़ा अलग अलग होना चाहिए जो सूखा कूड़ा है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं हमारे दोबारा किसी काम में आ सकता है जो गीला कूड़ा उसके लिए हम खाद बना सकते हैं घर में पौधे लगा सकते हैं और तो इससे शहर में कूड़ा कम होगा इसमें लोग सहयोग कर रहे हैं लेकिन अभी हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं लोगों का हम और सहयोग चाहते हैं कि इसको पूरे कंट्रोल करने के लिए आपके सहयोग के बिना हम काम जब नहीं हो सकते लेकिन लोग पहले से काफी ज्यादा सहयोग दे रहे हैं कूड़ा काफी कम हुआ जी 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 लेकिन ये सब बातों का आपने मुझे बहुत बखूबी से एक हल दिया है मैं आपसे ये पूछना चाहती कि आपका मेन इसमें इस क्या पॉइंट है जो आप करते हैं आप सारा दिन कैसे कार्य करते हैं कुछ थोड़ा सा आपके बारे में ऐसा म्यूनिसपल कॉर काम ऐसा है कि वो सारा दिन कभी नहीं खत्म होता सा। साल खत्म है महीना खत्म है क्योंकि ये डेली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं अभी हम कहीं पानी कहीं मिल रहा है तो कहीं ट्यूबवेल की मोटर जल जाती है रिवाइंड करना पड़ता है कभी सीवरे हम अभी सुबह हम सीवरे किसी कैसे साफ़ करते हैं जो ब्लॉकेज होती है साफ करते हैं तो दो घंटे बाद या शाम को या तो तीसरे दिन फिर बंद हो जाता है अगर वो आज साफ कर दिया तो दो तीन गलियाँ छोड़ के वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है मतलब ये कॉर्प में काम ऐसा है कि डेली ही काम क्रिएट होते हैं कॉर्प में काम कभी खत्म नहीं हो सकता ये हमेशा लाइफ के साथ साल चलता रहता है चलता रहता है लेकिन जिस तरह से आप अभी आध्यात्मिक की और आपने कहा काफी वर्षों से मैं इस की तरफ हूँ तो आप आध्यात्मिकता ये जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था है आप इसमें आए आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया आपको क्या इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से प्राप्त हुआ जो आपके जीवन में एकदम एक साथ रहता है और सफलता बनाता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैं तो जब भी आया हूँ यहाँ पे बड़ा मान सम्मान सुकून मिलता है यहाँ पे आके बैठते हम बड़ा सुकून मिलता है बैंजिस का पास आते थे लेकिन इनका वो सत्संग व्याख्यान करते थे हम सुनते थे लेकिन उसके साथ साथ हर आदमी जैसे लालची होता है उसमें हम भी अपने अपने के लिए मांगते हैं हमें ये पूरा हो जाए हमने जो भी यहाँ से मांगा हमें मिला है जो हम यहाँ से मांग रखते हैं ना हमें ये पूरा हो जाए हम ये करेंगे और तो कई बार तो हमें यहाँ से हमारी जो मनोकामना पूरी हुई है हम कई बार मेरी गलती है कि मैं अंदर भी नहीं आया तो बाहर से भी मैं प्रणाम करके जाता हूँ क्योंकि मेरी मनोकामना पूरी होती है फिर मैं प्रणाम करता हूँ जी 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 और फिर मैं उसी दिन ही आता हूँ कई बार रात को भी हैं दस बजे यहाँ पे गेट बंद होते हैं तो मैं प्रणाम करके जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सुकून मिलता है School में कोई एक ऐसी बात जैसे आपने आपने उस चीज को छोड़ा हो शांति ग्रहण की हो या क्रोध छोड़ा हो कोई एक ऐसा पॉइंट जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आया हाँ इसमें गुस्सा कम होता है जी जान में गुस्सा कम होता है तो बाकी दूसरी बात है हर बार कोई ना कोई नई उमंग दिल में होती है इसलिए बहुत लगाव है, आश्रम से है। हमारा आश्रम से हमारा तो आप भक्ति मार्ग की तरफ भी है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में भी मेरी वाइफ जो है अनिता राजा वो तो बहुत ज्यादा भक्ति मार्ग में है तो आप अपने सारे दिन कार्य में और परिवार को साथ में लेके और भक्ति को लेकर या ज्ञान को लेकर

हमसे गलती भी मत हो। तो यूथ के लिए क्या कहना चाहते हैं आप आजकल का यूथ जरूरी नहीं है एक पंजाब है पूरे हमारा जो भारत है जो पूरा विश्व है इस विश्व में इतने सारे यूथ हैं जो नशा भी करते हैं जो काम नहीं करते एजुकेशन नहीं है उनके लिए स्पेशली क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं जिनका आदर्शों के प्रति कोई एक आदर्श नहीं है जैसे हमसे बड़े हैं पेरेंट्स आजकल देखा जाए मोबाइल चल पड़ा है मोबाइल की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है लेकिन जो हमारे आदर्श है उनके प्रति आदर्श नहीं है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को यही पहले तो एजुकेशन को लेनी चाहिए हर हाल में एजुकेशन लेनी क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कीम बहुत आ गई है कोई गरीब आदमी भी पढ़ाई में रुचि ले सकता है बिना पैसे के पढ़ सकता है गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आ गई बहुत सहायता करते हैं हर तरह गवर्नमेंट सहायता कर रही है हमें वो पढ़ना चाहिए तो आगे जो नशा कर रहे हैं उसको प्रेरणा लेनी चाहिए वो प्रेरणा ऐसे ही मिल से। जैसे ये आश्रम है। इस तरह का जो आश्रम है अप यूथ को ऐसे कुछ टाइम दिन में जरूर निकालना चाहिए कभी गलत संगत में जाएंगे नहीं वो जो भी आदमी आश्रम में आता है वो गलत संगत में नहीं जा सकता आध्यात्मिक के लिए कैसे खींचेंगे हम उनको कोई एक ऐसा मैसेज की आप वहां पर जाएं ऐसे योग करें राजयोग करें आपका क्या संदेश जाएगा उनके लिए मैं तो ये यूथ को वैसे ही मन से अपने मन से आना चाहिए आश्रम में आश्रम आके एक दिन बिना किसी बात पे आ जाएं ध्यान लगा के बैठ जाए उनका अपने जो ध्यान माइंड जो भटकता है वो यहाँ दिल लग जाएगा उनका और वो इस भगवान के साथ जुड़ जाएंगे जी बहुत अच्छा और राजयोग मेडिटेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे राजयोग का मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी योग करवाया जाता है क्या आपने उसको दो या तीन मिनट का भी प्रैक्टिस किया कि... नहीं, मैंने नहीं किया मेरी वाइफ ने किया अच्छा तो वो करती रहती है अच्छा अच्छा ठीक है लेकिन एक बार लास्ट में फिर मैं कहता हूँ हम जहाँ जो भी कुछ मांगने आये ना जी आज मैं अंदर आया तो मेरे मन में आज भी लालच है कुछ मांगने की मुझे पता है यहाँ पूरी हो जाती है अच्छा तो इसलिए हमारा यहाँ पे लगाव है जी बहुत अच्छा और लोगों को चाहिए इसमें जुड़ना चाहिए कोई बुरी संगत बुरी आदत नहीं पड़ती अगर जो यहाँ जुड़ जाएगा वो दूसरी साइड में नहीं जाएगा गलत सोसाइटी में नहीं जाएगा ये में लोगों से मेरी यही दरखास्त है रिक्वेस्ट है कि उनको इस तरह आश्रम से जुड़ना चाहिए कभी उनको बुरी संगत में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा और जो उनके मन में है उनकी वो मनोकामना भी पूरी होगी जी 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 बहुत अच्छा अंत में सिर्फ एक प्रश्न है कि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं कार्यरत हैं उसी तरह से और लोगों को भी जो कार्य नहीं करते या सोचते हैं कि कर लेंगे अभी समय है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि नहीं हमें समाज को सुधारने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए क्या किस तरह से कार्य करना चाहिए नहीं उनको ये नहीं समय ये मत सोचना कि समय हमें पास समय है समय कभी नहीं समय जो कल करना आज करना चाहिए जी जो भी काम किसी के हमारे साथी को हंसल करना या किसी भी साथी को या कॉलोनी वाले को या शहरवासी को जो काम करना है उसको कल की बजाय शाम की वजह से आप अभी करना चाहिए अभी करें। जी भाई जी आप इस तरह से हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस तरह के जो विचारधाराएं आपने अपनी प्रकट की और हमारे यूथ के लिए महिलाओं के लिए समाज सेवकों के लिए मैसेज दिया साथ ही साथ आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए कहा कि हम आध्यात्मिकता के लिए एक बार एक कदम रखें चाहे वो दिल से ही रखें मन से ही रखें तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा सही कहा जी आपका इस बहुत बहुत धन्यवाद जी मित्रों अगली कड़ी में फिर से एक बार मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति